अब हम लोग क्या चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं? कैपिटल लिस्टिंग। क्या चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक पार्ट है। कैपिटल बजटिंग क्या चीज़ है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है। तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग क्या होता है? एक टूल होता है, एक टूल होता है जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएशन करने का क्या होता है? टूल होता है। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएशन करने का टूल। तो कैपिटल बजटिंग क्या चीज़ हो गया वो तो समझ गए आप लोग। अब इसमें लॉन्ग टर्म डिसीजन में हम लोग क्या क्या चीज़ का डिसीजन लेते हैं वो यहाँ से समझेंगे, बुक से समझेंगे। टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितने तरह का टाइप्स ऑफ कैपिटल डिसीजन होता है? दो तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंस और ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन। तो एक क्या चीज़ हो गया फर्म के एग्जिस्टेंस में, फर्स्ट क्या चीज़ हो गया फर्म के एग्जिस्टेंस में, दूसरा क्या चीज़ ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन सिचुएशन। फर्म के एग्जिस्टेंस में क्या चीज़ है? रिप्लेसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन डिसीजन। या तो कोई एसेट को हम लोग क्या चीज़ कर सकते हैं? रिप्लेस कर दें या उसको फिर से मॉडर्न कर दें, उसको क्या चीज़ कर दें? मॉडर्न कर दें। तो ये फर्स्ट में आ गया। एक्सपेंशन डिसीजन एक हो गया। क्या चीज़ हो गया? एक्सपेंशन डिसीजन। इसमें हम लोग क्या चीज़ करते हैं? एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल फर्म में जो प्रोडक्ट होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग, जैसे कोई रिमोट एरिया में वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है, कोई रिमोट एरिया में वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है तो वहां पहुंचाएंगे, तो वो क्या चीज़ हो गया? एक्सपेंशन। क्या चीज़ हो गया? एक्सपेंशन। फिर क्या है दूसरा? डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन। क्या चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन डिसीजन? इसमें न्यू प्रोडक्ट आता है। डाइवर्सिफिकेशन में क्या चीज़ आएगा? न्यू प्रोडक्ट लेकर के हम लोग आएंगे। डाइवर्सिफिकेशन में क्या चीज़ लेकर के आएंगे? न्यू प्रोडक्ट लेकर आएंगे, तो क्या चीज़ हो गया? डाइवर्सिफिकेशन। तो फॉर्म के एग्जिस्टेंस में कितने तरह का था? फॉर्म के एग्जिस्टेंस में तीन तरह का था। एक था रिप्लेसमेंट, या क्या था? एक था रिप्लेसमेंट, दूसरा क्या था? रिप्लेसमेंट या मॉडर्नाइजेशन, दूसरा था एक्सपेंशन, तीसरा क्या था? डाइवर्सिफिकेशन। रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या चीज़ करते हैं? कोई एक एसेट है हम लोग के पास, तो वो एसेट को हम लोग क्या चीज़ कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। वो एसेट को हम लोग क्या चीज़ कर दिए हैं? रिप्लेस कर दिए। एक्सपेंशन में क्या था? तो कोई प्रोडक्ट है हम लोग का, कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं पहुंच रही है, वो प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं पहुंच रहा है, तो उस टाइम में हम लोग क्या चीज़ करेंगे? उसका एक्सपेंशन करेंगे। और डाइवर्सिफिकेशन क्या चीज़ हो गया? न्यू प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, न्यू प्रोडक्ट लेकर के आएंगे मार्केट में, तो वो क्या चीज़ हो गया? डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा क्या चीज़ है? ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन के डिसीजन क्या चीज़ है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। कि अगर एक डिसीजन हम लोग ले रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि एक अगर डिसीजन लेंगे तो उसके वजह से हम लोग को दूसरा डिसीजन रिजेक्ट करना होगा। एक डिसीजन लिए तो उसके वजह से दूसरा डिसीजन रिजेक्ट करना हुआ। जैसे हम लोग के पास कितना है फंड, मान के रखो कितना है? 20 करोड़। कितना है फंड? 20 करोड़। कोई एक प्रोडक्ट है उसमें हम लोग को 19 करोड़ लग गया। कितना लग गया? 19 करोड़ लग गया। और दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग को 15 करोड़ लगता। तो या तो हम एक 15 करोड़ का लेंगे या तो 19 करोड़ का, हम तो दोनों तो नहीं ले सकते हैं ना। तो ये क्या चीज़ हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब एक के लेने से दूसरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर क्या है? एक्सेप्ट या रिजेक्ट डिसीजन। इसमें भी एक प्रोजेक्ट ऐसे या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, यह क्या चीज़ में आ जाएगा? एक्सेप्ट या रिजेक्ट डिसीजन में। फिर क्या है? कंटिजेंट डिसीजन। एक हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो उसके वजह से ऑटोमेटिकली दो तीन और दूसरा भी एक्सेप्ट हो जाएगा, वो क्या चीज़ हो जाएगा? कंटिजेंट डिसीजन। तो ये हो गया। अब हम लोग को कैपिटल बजटिंग निकालने के लिए, सबसे पहले कैश फ्लो निकालना होगा। क्या चीज़ निकालना होगा? कैश फ्लो। तो चलिए कैश फ्लो निकालना सीखते हैं। कैश फ्लो में क्या चीज़ हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ आ गया? सेल्स हो गया होगा, माइनस क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। जितना भी कॉस्ट है कैश नेचर का, जितना भी कैश क्या चीज़ है कैश नेचर का या फिक्स कॉस्ट, कैश नेचर का जितना भी कॉस्ट है उसको हम लोग क्या चीज़ कर दिए? माइनस कर दिए। तो ये हम लोग का क्या आता है? ये हम लोग का क्या आता है? ईबीआईटी। ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया? ईबीआईटी।
अब ई बी आई टी माइनस क्या चीज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन। अब यहाँ इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस करते हैं? वो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ माइनस क्या चीज़ कर दिया, डेप्रिसिएशन। तो हम लोग को क्या आता है, ई बी टी, क्या चीज़ आ गया, ई बी टी। माइनस क्या चीज़ करते हैं हम लोग, टैक्स। ई बी टी माइनस क्या चीज़ कर दिए, टैक्स। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, ई ए टी, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है, उसमें हम लोग क्या चीज़ करेंगे ऐड, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ किए थे, डेप्रिसिएशन को माइनस किए थे। बट एक्चुअली में डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, क्या चीज़ होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो नॉन कैश होने के वजह से हम लोग डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस किए थे। तो अब हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, यहाँ पर डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। तो ये प्लस करने के बाद जो निकल के आएगा वो क्या चीज़ हो जाएगा हम लोग का, नेट कैश फ्लो। ये आप लोग को समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ किए, सेल किए, माइनस क्या चीज़ किए, वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, जितना भी कैश नेचर का था। तो ये क्या चीज़ आ गया, ई बी आई टी। माइनस इंटरेस्ट यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग नेक्स्ट में समझेंगे क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर क्या चीज़ किए, माइनस डेप्रिसिएशन किए, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। माइनस क्या चीज़ किए, टैक्स किए, तो फिर क्या आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन ऐड किए, ऐड बैक कर दिए। डेप्रिसिएशन क्या चीज़ किए, ऐड बैक कर दिए। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस, इसके वजह से हम लोग को कैश का एक्सपेंस नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या चीज़ कर दिए, डेप्रिसिएशन को ऐड। तो ये क्या चीज़ आ गया, नेट कैश फ्लो, क्या चीज़ आ गया, नेट कैश फ्लो। एक हम लोग दूसरा भी कर सकते हैं, क्या चीज़ कर सकते हैं, इसी में हम लोग दूसरा भी कर सकते हैं। सेल्स ले लेंगे, माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, तो क्या चीज़ आ गया, ई बी आई टी, ई बी आई टी आ जाएगा ना। माइनस डायरेक्ट टैक्स कर देंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो माइनस कर रहे थे वो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किए, डायरेक्ट चीज़ क्या चीज़ कर दिए, टैक्स कर दिए। तो ई ए आई टी आ गया, अर्निंग, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सॉरी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, ये चीज़ आ गया। इसमें हम लोग क्या चीज़ करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। कितना कितना ऐड बैक करना है हम लोग को, तो जितना डेप्रिसिएशन के वजह से हम लोग को टैक्स सेविंग होता है, जितना डेप्रिसिएशन के वजह से टैक्स सेविंग होता है। तो डेप्रिसिएशन वो बोला जिससे हम लोग को क्या चीज़ होता है, टैक्स का सेविंग होता है, वो हम लोग पार्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग ई बी आई टी से लेते हैं क्योंकि उससे पहले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ई बी आई टी हम लोग कितना ले रहे हैं, 150,000। ई बी आई टी कितना लिए, 150,000। माइनस डेप्रिसिएशन मान लो कितना है, 50,000। डेप्रिसिएशन कितना है, 50,000। तो ये मेरा ई बी टी कितना आ गया, ई बी टी कितना आ गया, 1,00,000। माइनस क्या चीज़ कर दिए, टैक्स, टैक्स एट द रेट कितना परसेंट है, 50%। टैक्स एट द रेट कितना परसेंट, 50%। तो ये टैक्स कितना हो गया माइनस करके, 50,000। ये क्या चीज़ आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर इसमें ऐड बैक क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश है ना। तो ये हम लोग का कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो कितना आ गया, नेट कैश फ्लो कितना आ गया, 1,00,000। नेट कैश फ्लो कितना आ गया, 1,00,000। इसी को अगर हम लोग दूसरा मेथड में करेंगे तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पे 1,50,000 आ जाएगा। माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे कि नहीं, 1,50,000 आ गया, फिर माइनस डेप्रिसिएशन करना है कि नहीं, तो माइनस डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं करना है। तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 1,50,000 माइनस एट द रेट 50% टैक्स कर दिए, तो 75,000 का क्या चीज़ हो गया, टैक्स हो गया। तो ये हम लोग का 75,000 आ गया। अब हम लोग को ऐड करना है, क्या चीज़ ऐड करना है, डेप्रिसिएशन का वो पार्ट जिसके वजह से टैक्स सेविंग होता है। तो कितना, डेप्रिसिएशन कितना था, 50,000, और टैक्स का रेट कितना था, 50%। तो हम लोग का टैक्स कितना सेविंग हुआ होगा, 25,000 का। तो ये हम लोग ऐड कर दे, तब भी कितना आया, 1,00,000। तो ये भी नेट कैश फ्लो कितना आ गया, 1,00,000। अब दोनों मेथड में से आप लोग को जो भी
क्या चीज़ है, ईजी लगा हो उस मेथड में आप लोग को बनाना है नेट नेट कैश फ्लो निकालना है। उस मेथड में आप लोग को क्या चीज़ निकालना है, नेट कैश फ्लो निकालना है। अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल में क्या है, एक्स लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स फिल्टर इन द डेजर्ट कलर कूलर्स, इट्स एनुअल टर्नओवर इज 30 करोड़ एंड कैश एक्सपेंस टू जनरेट दिस सेल आर 25 करोड़। तो कितना एनुअल टर्नओवर कितना दे रखा हुआ है सम्स में, 30 करोड़, और कैश एक्सपेंस कितना दे रखा हुआ है, 25 करोड़। सपोज इस इफ अप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%, तो टैक्स का रेट कितना दे रखा हुआ है, 30%, एंड डेप्रिसिएशन इज 1.5 करोड़। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा हुआ है, 1.5 करोड़। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, क्या चीज़ निकालना है, अब हम लोग को कैश फ्लो निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, कैश फ्लो। तो एक बार हम लोग डेप्रिसिएशन के साथ लेके दिखाएंगे और एक बार बिना डेप्रिसिएशन के साथ दिखाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। विद डेप्रिसिएशन यहाँ पे, विदाउट डेप्रिसिएशन, सम्स में सेल कितना दे रखा हुआ है, एनुअल टर्नओवर कितना दे रखा हुआ है, 30 करोड़, माइनस कैश एक्सपेंस कितना दे रखा हुआ है, 25 करोड़। तो ईबीआईटी कितना आ गया, 5 करोड़। 5 करोड़ आ गया ईबीआईटी, माइनस क्या चीज़ की है, डेप्रिसिएशन। तो अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो 1.5 करोड़। यहाँ था, यहाँ क्या चीज़ था, विदाउट डिप्रिसिएशन, तो यहाँ डिप्रिसिएशन माइनस नहीं करेंगे। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आ गया, इसमें 3.5 करोड़, इसमें 5 करोड़, फिर टैक्स माइनस किए, एट द रेट कितना परसेंट था, 30%, टैक्स कितना परसेंट था, 30%, तो 30% माइनस कर दिए, तो 3.5 का 30% कितना होता है, 1.05 माइनस इक्वल टू, तो 2.45। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 2.45, या 5 करोड़ का 30% कितना हो गया, 1.5 करोड़, माइनस इक्वल टू किए तो कितना आ गया, 3.5 करोड़। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हम लोग का कितना आ गया, 2.545 करोड़, इसमें कितना है, 3.5 करोड़। इसमें हम लोग क्या चीज़ करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे, तो डेप्रिसिएशन कितना था, 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ डेप्रिसिएशन था, तो कितना आ गया, 2.45 प्लस 1.5 करोड़, तो 3.95। ये क्या चीज़ आ गया हम लोग का, नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो कितना आ गया, 3.95। ये दूसरा मेथड में विदाउट डेप्रिसिएशन में लिए हैं, तो डेप्रिसिएशन कितना था, 1.5, इसके वजह से हम लोग का टैक्स कितना सेविंग होता, 30%, तो 30% ऐड कर देंगे, तो 1.5 का 30%, तो 0. कितना आ गया, 4.5, इसमें भी ऐड करेंगे तो 3.95। तो दोनों ही केस में कोई भी मेथड से बना लेंगे तो हम लोग का कितना नेट कैश फ्लो कितना आने वाला है, सेम आने वाला है। दोनों ही मेथड से नेट कैश फ्लो क्या चीज़ आने वाला है, सेम आने वाला है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। टैक्स में हम लोग तो सीखे थे, क्या चीज सीखे थे, जब डेप्रिसिएशन WDV के, जब डेप्रिसिएशन WDV मेथड से चार्ज होता है, जब डेप्रिसिएशन WDV के मेथड से चार्ज होता है, तो जो कुछ भी कैपिटल गेन होता है, चाहे लॉस हो या गेन हो, तो क्या चीज़ गेन या लॉस, ये क्या चीज़ में होता है, शॉर्ट टर्म का होता है। ये तो हम लोग पढ़े थे टैक्स में, शॉर्ट टर्म में होता है। कैपिटल गेन होता है या कैपिटल लॉस होता है, तो कैपिटल अगर गेन हुआ, क्या चीज़ हुआ, कैपिटल गेन हुआ, तो उसके वजह से हम लोग को टैक्स क्या करना होता है, टैक्स पेड करना होता है। अगर कैपिटल लॉस हुआ, क्या चीज़ हुआ, कैपिटल लॉस हुआ, तो उसके वजह से हम लोग का टैक्स क्या होता है, टैक्स का सेविंग होता है ना। तो अगर कैपिटल गेन हुआ तो हम लोग को टैक्स पे करना हुआ, तो पे करना हुआ तो कैश हम लोग का क्या चीज़ होगा,
लेस होगा, मतलब जितना कैश पहले ऑलरेडी था उसके बाद हम लोग टैक्स पे किए तो हम लोग का टैक्स क्या चीज़ हो, मतलब हम लोग का कैश फ्लो क्या चीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वही कैपिटल लॉस हुआ तो जिसके वजह से हम लोग टैक्स पे करते, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते, अब क्या चीज़ हो गया, कैपिटल लॉस हो गया। पहले हम मान के रखो पहले से हम लोग को कितना पे करना था, 1000, पहले से हम लोग को कितना पे करना था टैक्स, 1000 पे करना था, लेकिन हम लोग को अभी कैपिटल लॉस हो गया, कैपिटल लॉस हो गया कितना, उसके वजह से हम लोग को टैक्स कितना सेव हो गया, 50, तो अब कितना पे करना है, 950। तो हम लोग का क्या चीज़ हुआ, टैक्स सेविंग हुआ, मतलब कैश फ्लो इसके वजह से क्या चीज़ हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहले हमको पे करना था, अब पे नहीं करना है, तो जितना कैश रहेगा उतना ही तो रह जाएगा ना, तो ये चीज़ हो गया। अब इसी के बेस में हम लोग एग्जाम्पल करते हैं तो ये हम लोग को अच्छा से समझ में आएगा। अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या क्या चीज़ अभी सीख रहे हैं कि अगर कोई एसेट होगा, डिप्रिसिएबल एसेट होगा, तो उस टाइम में कैश फ्लो कैसे निकालेंगे वो अभी सीख रहे हैं। क्वेश्चन क्या चीज़ है, सपोज ए लिमिटेड अक्वायर्ड न्यू मशीनरी फॉर ₹1 लाख, डिप्रिसिएबल एट 20% एज पर रिटेन नॉन वैल्यू मेथड, तो कितने का मशीनरी, कितने का है, 1 लाख का है, डिप्रिसिएशन के रेट कितना दे रखा हुआ है, 20%, डिप्रिसिएशन का रेट कितना दे रखा हुआ है, 20%। द मशीन हैज़ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 ईयर विद सेवेज वैल्यू ऑफ 10,000, तो मशीन का एक्सपेक्टेड लाइफ कितना हो गया है, 5 ईयर, और उसका सेवेज वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 10,000। तो इस टाइम में हम लोग को क्या चीज़ निकालना है कि मतलब किस तरह से हम लोग का कैपिटल लॉस हुआ कि गेन हुआ, किस तरह से हम लोग बनाएंगे, किस तरह से हम लोग को कैपिटल क्या चीज़ आएगा, मतलब कैश फ्लो किस तरह से आएगा, ये हम लोग को बनाना है। तो सम्स में क्या क्या चीज़ दे रखा हुआ था, सम्स में क्या चीज़ दे रखा था, वैल्यू ऑफ मैसनरी कितना दे रखा हुआ था, 1 लाख, वैल्यू ऑफ मैसनरी कितना दे रखा था, 1 लाख, लाइफ कितना दे रखा हुआ है, 5 ईयर, और सेवेज वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, 10,000। हम लोग को WDV से निकालना है डेप्रिसिएशन, और रेट कितना दे रखा हुआ है, 20%। अगर यहाँ पे सम्स में नहीं रेट नहीं दे रखा होता, सम्स में अगर रेट नहीं दे रखा होता तो हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5 करते, उस तरह से डेप्रिसिएशन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि हम लोग को निकालना है क्या चीज़, डेप्रिसिएशन WDV से, डेप्रिसिएशन क्या चीज़ से निकालना है, WDV से। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या चीज़ करना होगा, परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख, परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% फॉर ईयर वन, यही ना, तो 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000, माइनस करने के बाद कितना आता है, 80,000। ये क्या चीज आ गया, WDV एट द एंड ऑफ ईयर वन, ये आ गया ना WDV एट द एंड ऑफ ईयर वन। फिर से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, हमको 5 ईयर तक जाना है ना, कितना ईयर तक जाना है, 5 ईयर तक, तो डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, तो 80,000 का 16% कितना होता है, सॉरी 20%, 80,000 का 20% 16,000 हो गया, माइनस इक्वल टू कर दे तो कितना आ गया, 64,000। ये सेकेंड ईयर के लिए WDV है, एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फिर डेप्रिसिएशन फॉर क्या चीज के लिए चार्ज करेंगे, थर्ड ईयर के लिए, तो 64,000 का 20%, 12,800 माइनस इक्वल टू 51,200, तो ये WDV एट एंड ऑफ 3 ईयर आ गया, थर्ड ईयर। फिर से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर, तो इंटू 20%, 10,240 माइनस इक्वल टू कितना आ गया, 4,960। ये क्या चीज आ गया, WDV एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, ये आ गया ना, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। अब फोर्थ ईयर में क्या चीज हो रहा है,
सेवेज वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 10,000, फोर्थ में सेवेज वैल्यू कितना दे रखा हुआ है 10,000। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज जानेंगे, एसेट्स आर एग्जिस्ट इन ब्लॉक, इसी तरह से पढ़े थे ना टैक्स में, एसेट जो है एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ब्लॉक में। दूसरा क्या था, एसेट्स आर नॉट एग्जिस्ट इन ब्लॉक, मतलब इस तरह का एसेट, ये 20% रेट का एसेट और भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और भी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और एक में क्या चीज़ है कि कर रहा है, एक में कर रहा है एग्जिस्ट, दूसरा में क्या चीज़ है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग को क्या चीज़ आ जाएगा, एग्जिस्ट जब नहीं कर रहा है तो डब्ल्यू डी बी कितना था, डब्ल्यू डी बी एट द बिगनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर, मतलब एंड ऑफ फोर्थ ईयर है, इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, बिगनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर, कितना था 40,960 लेस सेवेज वैल्यू, सेवेज वैल्यू कितना दे रखा था एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर 10,000, तो ये माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना आ गया 3,960। एसेट जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है तो हम लोग को जितना सेवेज वैल्यू माइनस करने के बाद आता है वो क्या चीज़ आ गया, या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो यहाँ डब्ल्यू डी बी तो ज़्यादा है और सेवेज वैल्यू क्या है कम है, डब्ल्यू डी बी ज़्यादा है, एसेट का प्राइस ज़्यादा है, लेकिन हम लोग बेच कितना में रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की वजह से टैक्स सेविंग कितना होगा, टैक्स सेविंग कितना होगा, तो 30,960 का टैक्स का रेट कितना परसेंट है 30%, एज्यूम कितना कर लेते हैं टैक्स का रेट कितना परसेंट है 30%, ये एजम्पशन है कि 30% टैक्स का रेट है। तो टैक्स का रेट अगर 30% हुआ तो कितना हम लोग का टैक्स सेविंग हुआ होगा, 9,288, कितने का टैक्स सेविंग हुआ होगा हम लोग का 9,288। एक बार फिर से, एसेट दे रखा हुआ था उसका डब्ल्यू डी बी का रेट दे रखा हुआ था डेप्रिसिएशन का, इस तरह से हम लोग को जिस ईयर तक का, जिस ईयर तक का क्या चीज रहेगा, एसेट को सेल किए रहेंगे या उसकी लाइफ तक का हम लोग को क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकाल करके उसका डब्ल्यू डी बी निकालना है। डब्ल्यू डी बी निकालने के बाद, डब्ल्यू डी बी निकालने के बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग को देखना है कि एसेट जो सेल हो रहा है, सेल हो रहा है या क्या चीज़, उसका सेवेज वैल्यू दे रखा है वो किस तरह, मतलब कितना है, उस तरह से हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालेंगे या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो यहाँ क्या चीज़ आया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अगर हम लोग का लॉस हो रहा है तो लॉस के वजह से हम लोग का क्या चीज़ होगा, टैक्स का सेविंग होगा, क्या चीज़ होगा टैक्स का सेविंग होगा। तो टैक्स का सेविंग कितना होगा, जितना लॉस हुआ इनटू टैक्स का परसेंटेज, इनटू टैक्स का परसेंटेज, तो ये कितना आ गया 9,288, इतना हम लोग का क्या चीज़ हुआ टैक्स का सेविंग हुआ। तो इस तरह से नेट कैश फ्लो कितना आ जाएगा, नेट कैश फ्लो इस केस में कितना आ जाएगा 10,000, तो हम लोग का सेवेज वैल्यू से आ रहा था और टैक्स में सेविंग कितना हो गया 9,288, तो ये कितना आ गया 1,928, ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया नेट कैश फ्लो, क्या चीज़ आ गया हम लोग का ये नेट कैश फ्लो 1,928। अगर हम लोग के पास एसेट ब्लॉक में है तो हम लोग कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं निकालते हैं, उस टाइम में हम लोग क्या चीज करते हैं, डब्ल्यू डी वी एट द बिगेनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर कितना दे रखा था 4,960 लेस सेवेज वैल्यू, कितना है 10,000, ये कितना आ गया 3,960, ये डब्ल्यू डी बी आ गया। फिर से माइनस क्या चीज़ करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि एसेट तो एग्जिस्ट कर रहा है, टैक्स में ही पड़े थे ना, जब एसेट एग्जिस्ट करता है तो जो अगर बिक भी कोई कोई एसेट एक बिक भी गया तो बाकी एसेट के साथ ये जुड़ करके फिर से क्या चीज़ चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन, किस रेट से चार्ज होगा 20% से, क्योंकि 20% ही दे रखा था, तो 30,960 का 20% तो कितना आ गया 6,192, कितना आ गया 6,192, तो इतना हम लोग का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। इस डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से, इस डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से हम लोग को क्या चीज़ होगा, टैक्स सेविंग होगा, फिर से टैक्स क्या चीज़ होगा सेविंग होगा, तो टैक्स बेनिफिट हम लोग को कितना मिला,
टैक्स बेनिफिट या टैक्स सेविंग हम लोग का कितना होगा, तो 6192 का 30%, एज्यूम कितना किया था टैक्स 30%, तो डेप्रिसिएशन के पास हम लोग को वैसे भी टैक्स सेविंग होता है ना, तो टैक्स सेविंग हुआ 6192 का 30%, तो ये कितना हुआ 1858, कितना आ गया 1858, तो हम लोग को टैक्स का बेनिफिट फिर से कितना हुआ 1858, तो इस टाइम में नेट कैश फ्लो कितना हो जाएगा, नेट कैश फ्लो कितना आ गया पहले तो 10,000 आना था क्या चीज़ से, सेवेज वैल्यू से, प्लस 1858 टैक्स का सेविंग हुआ, तो इस तरह से हम लोग को कितना आ गया 1,1858 का नेट कैश फ्लो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1,1858 का नेट कैश कैश फ्लो हो जाएगा। अब सुनिए, इसी सम्स में अगर सेवेज वैल्यू कितना रहता 50,000, कितना रहता सेवेज वैल्यू 50,000, कितना रहता सेवेज वैल्यू 50,000, और नो एसेट्स आर एग्जिस्ट इन ब्लॉक, एसेट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और हम लोग का सेवेज वैल्यू कितना है 50,000 है, तो डब्ल्यू डी बी एट द एंड डब्ल्यू डी बी एट द बिगनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर कितना हो जाता, जो निकाले थे 4960 माइनस क्या करते सेवेज वैल्यू, कितना सेवेज वैल्यू था 50,000 एज्यूम किए हैं, तो हम लोग को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने का हो गया, तो 4960 माइनस 50,000 9040, ये हम लोग को कैपिटल गेन हो गया। अब कैपिटल गेन के वजह से हम लोग को टैक्स क्या चीज़ करना होगा, पे करना होगा टैक्स, क्या चीज़ करना होगा पे करना होगा, तो टैक्स एट द रेट कितना परसेंट है 30%, तो हम लोग को कितना टैक्स पे किया करना होगा 2712, कितना पे करना हुआ 2712, तो इस टाइम में नेट कैश फ्लो कितना आ जाएगा 50,000, तो हम लोग को एसेट बेच करके आया था, लेकिन उसमें हम लोग को क्या चीज़ लग गया कैपिटल गेन लग गया 1712 का, तो इस तरह से हम लोग का कितना हो गया 50,000 माइनस 2712 कैपिटल, मतलब क्या चीज़ लग गया टैक्स लग गया, तो हम लोग को नेट में पैसा कितना आया 4728, मतलब कैश फ्लो कितना आ गया 2,4728, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब क्या चीज है नेक्स्ट में, एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल, इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग क्या चीज़ कैश फ्लो निकालते हैं, जब क्या चीज़ हम लोग निकालते हैं कैश फ्लो निकालते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट को ऑलरेडी माइनस किया होता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो होता है ऑलरेडी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कब कब कंसीडर करते हैं कि वो निकालने टाइम में, जब हम लोग कैश फ्लो निकालेंगे तो ईबीआईटी लेते थे माइनस इंटरेस्ट नहीं करते थे, माइनस इंटरेस्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्या चीज़ होता है ऑलरेडी इसमें, मतलब केओ में ये ऑलरेडी एडजस्ट रहता है, केओ मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या चीज़ होता है ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, इसलिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं इंटरेस्ट को माइनस नहीं करते हैं, इसलिए इंटरेस्ट को माइनस नहीं करते हैं। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को क्यों नहीं माइनस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग केओ के साथ इसको एडजस्ट करके रखते हैं, इसलिए माइनस नहीं करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या चीज़ है सम से इसके लिए करते हैं, नेक्स्ट सम्स में क्या चीज़ है, एग्जाम्पल है सपोज एक्स वाई लिमिटेड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द फोर्थ कमिंग 4 ईयर इज एज फ्लो, तो 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10,000 20,000 40,000 50,000, इफ इंटरेस्ट पेबल इज 5,000, तो इंटरेस्ट पेबल माइनस करना है ईबीआईटी में से, तो आंसर इज नहीं, क्यों नहीं माइनस करना है क्योंकि ये ऑलरेडी केओ के साथ एडजस्टेड होता है। टैक्स रेट कितना दे रखा हुआ है 30%, टैक्स रेट कितना दे रखा हुआ है 30%, तो हम लोग वही कैश फ्लो निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो इसको हम कर लो कैसे कैश फ्लो निकालेंगे, 4 ईयर तक का दे रखा हुआ है, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 और ईयर 4, ईबीआईटी कितना दे रखा है, पीबीआईटी या ईबीआईटी दोनों क्या होता है एक ही होता है, ईयर 1 में कितना 10,000 20,000 40,000 50,000, 10,000 20,000
40,000 और 50,000, यही दे रखा हुआ है। अब क्या चीज़ माइनस, क्या चीज़ इंटरेस्ट करना है हम लोग को, तो आंसर इज नहीं, इंटरेस्ट को माइनस नहीं करना। तो डायरेक्ट क्या चीज़ माइनस करेंगे, टैक्स। टैक्स का रेट क्या था, 30%। टैक्स का रेट कितना था, 30%। तो हम लोग डायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं, तो इसमें कितना आ गया, 3,000। तो ये माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो। ये क्या चीज़ माइनस करने के बाद आ गया, नेट कैश फ्लो। इसमें कितना, 1,000, 6,000 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 14,000। इसमें कितना आ जाएगा, 12,000। तो ये माइनस करने के बाद कितना आ गया, 28,000। इसमें 15,000। तो माइनस करने के बाद कितना आ गया, 35,000। तो ये हम लोग का क्या चीज़ आ गया, नेट कैश फ्लो। अगर मान लो कि हम लोग इंटरेस्ट गलती से माइनस कर दिए, या इंटरेस्ट माइनस कर दिए, इंटरेस्ट माइनस कर दिए, तो उस टाइम में क्या होगा। तो सबसे पहले ईबीआईटी कितना कितना था, 10,000, 20,000, 40,000 और क्या था, 50,000। माइनस क्या चीज़ कर दिए हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना कितना था, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000। तो इसलिए ईबीटी कितना आ गया, 5,000। इसमें 15,000, इसमें 35,000, इसमें 45,000, यही आ गया ना। माइनस क्या कर देंगे, टैक्स एट द रेट 30%। तो इसका टैक्स कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 30%, तो 1,500 इसका टैक्स आ गया। इसमें 25,000 इंटू 30%, तो ये कितना आ गया, 7,500। ये सॉरी 15 था ना, 15,000 इंटू 30%, ये 4,500 था। 10,500 या 35,000 इंटू 30%, 24, 13,500, तो ये आ गया हम लोग का। ये क्या चीज़ आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या चीज़ आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें हम लोग को ऐड करना है, इसमें क्या चीज़ ऐड करना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को ऐड करना है, कौन सा पार्ट, देखिए इंटरेस्ट के वजह से, इंटरेस्ट के वजह से ऑलरेडी टैक्स में कितना सेविंग हो गया है। पहले यहाँ पे टैक्स कितना लगा था, फर्स्ट केस में टैक्स कितना लगा था, 3,000। यहाँ पे टैक्स कितना लगा, 1,500। तो ऑलरेडी कितना सेव हो गया है, 1,500। ऑलरेडी कितना का हो गया है, हाँ 1,500 का हो गया है। तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे माइनस किया कितना, 5,000। और ऑलरेडी कितना माइनस हो चुका है टैक्स में, 1,500। तो कितना और माइनस करना है, तो 5,000 माइनस 1,500, ये 3,500 हम लोग को माइनस करना है। ये कैसे आया, तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था, 5,000 इंटू 1 माइनस टैक्स कर दिए, 1 माइनस टैक्स कर दिए। तो ये इस तरह से हम लोग इतना को ऐड कर देंगे। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं, देखिए सेकंड केस में टैक्स में, सेकंड केस में कितना था, 6,000। टैक्स सेकंड केस में कितना था, 6,000 था, लेकिन इसके सेकंड में केस में कितना आ गया था, 4,500। कितना आ गया था, 4,500। इसका मतलब क्या चीज़ है कि ऑलरेडी टैक्स में कितना का कमी आ गया, 1,500 का। ऑलरेडी टैक्स में कितना का कमी आ गया, 1,500 का। यहाँ पे इंटरेस्ट हम लोग कितना माइनस किए, 5,000 का। कितने का माइनस किए हैं, 5,000 का माइनस किए हैं। तो ये 5,000 में ऑलरेडी 1,500 तो माइनस हो चुका है, ऑलरेडी 1,500 तो माइनस हो चुका है। तो हम लोग कितना ऐड बैक करेंगे, तो 5,000 माइनस 1,500 जो माइनस हो चुका था, क्योंकि 6,000 माइनस 4,500, तो 1,500 माइनस हो चुका था ना। तो इसलिए हम लोग 5,000 माइनस 1,500 करेंगे। तो ये कितना ऐड करेंगे, 3,500। इसी तरह से इसमें भी 3,500, 3,500। इसको फॉर्मूला बेस में करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स।
अगर एक बार हम लोग माइनस कर चुके हैं इंटरेस्ट को, अगर एक बार हम लोग माइनस कर चुके हैं इंटरेस्ट को, तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक किस पार्ट का करेंगे, जिस पार्ट में हम लोग का टैक्स का सेविंग नहीं हुआ है। तो ऑलरेडी 30% तक तो सेव हो चुका था, तो कितना परसेंट सेव नहीं हुआ, 70% सेव नहीं हुआ था, तो हम लोग इंटरेस्ट का सिर्फ 70% ही ऐड बैक करेंगे। अगर इसमें टैक्स रहता 20%, अगर टैक्स कितना परसेंट रहता 20%, तो हम लोग सिर्फ कितना ऐड करते 80%, क्योंकि 20% ऑलरेडी हो चुका है माइनस, तो इसलिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे 80% इसमें ऐड बैक करते। तो इस टाइम में भी देखेंगे तो कैश फ्लो कितना आ जाएगा, 7000 आ गया, इसमें कितना आ गया 10500 प्लस 3500 14000, इसमें 24500 प्लस 3500 तो 28000, इसमें 31500 प्लस 3500 तो 35000। तो दोनों ही केस में क्या चीज़ कैश फ्लो क्या चीज़ आने वाला है, सेम आया। दोनों ही केस में क्या चीज़ आया, कैश फ्लो सेम आया। अब हम लोग क्या चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर वन में चलते। अब हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं, इलस्ट्रेशन वन में क्या चीज़ है, ए बी सी लिमिटेड इज़ इवेल्युएटिंग द परचेज ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट विद अ डिप्रिसिएबल बेस ऑफ ₹1,00,000, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 ईयर एंड चार्ज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹45,00,000 इन ईयर वन, 30,000 इन ईयर टू, 25,000 इन ईयर थ्री एंड 35,000 इन ईयर फोर। एज्यूम क्या चीज़ करना है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, क्या चीज़ एज्यूम किया है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एंड टैक्स का रेट कितना दे रखा हुआ है 20%, टैक्स का रेट कितना दे रखा हुआ है 20%। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट रिलेवेंट कैश फ्लो, तो हम लोग को रिलेवेंट कैश फ्लो निकालना है। तो सबसे पहले सम्स में क्या चीज़ दे रखा हुआ है, ई बी आई टी दे रखा हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा हुआ है 2500, मतलब ये डेप्रिसिएशन के पहले, डेप्रिसिएशन माइनस करने के पहले का दे रखा हुआ, डेप्रिसिएशन माइनस करने के पहले का दे रखा, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन तो ये दे रखा हुआ है। इसमें से हम लोग को क्या चीज़ माइनस करना होगा, इसमें से हम लोग को क्या चीज़ माइनस करना होगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद टैक्स माइनस करेंगे, फिर से ऐड बैक क्या चीज़ कर देंगे डेप्रिसिएशन, फिर से ऐड बैक क्या करेंगे डेप्रिसिएशन। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर वन, इलस्ट्रेशन नंबर वन में कितना ईयर है टोटल, 4 ईयर दे रखा हुआ है, चारों का ईबीआईटी कितना दे रखा हुआ है, ईबीआईटी ने अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन कितना कितना दे रखा हुआ है, ईयर वन के लिए 45,000, ईयर टू के लिए कितना दे रखा हुआ है 30,000, ईयर थ्री के लिए कितना दे रखा हुआ है 25,000 और ईयर फोर के लिए कितना दे रखा हुआ है 35,000। माइनस हम लोग क्या चीज़ किए, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में निकालना है, तो वैल्यू कितना दे रखा हुआ है मशीनरी का, प्रोजेक्ट का वैल्यू कितना दे रखा हुआ, 1,00,000, और इसमें सेवेज वैल्यू तो नहीं दे रखा हुआ है, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ दे रखा है, तो डिवाइड बाय क्या कर दिए इकोनॉमिक लाइफ, तो 10,000 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 25,000, तो 25,000 और फिर 25,000 ये आ गया। अगर माइनस करेंगे तो कितना आता है इसमें 20,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 25, तो 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 10,000, ये क्या आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, क्या चीज़ आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। माइनस क्या चीज़ कर देंगे टैक्स एट द रेट 20%, तो टैक्स माइनस कर दिया 20%, तो कितना हो गया 4,000 इसके लिए, इसके लिए 1,000, अब जीरो का तो कुछ होगा नहीं, इसके लिए 2,000, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया 16,000, इसमें 4,000, इसमें 0, इसमें 8,000। अब माइनस क्या चीज़ करेंगे हम लोग, मतलब ऐड क्या चीज़ करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो 25,000 को हम लोग क्या चीज़ करेंगे ऐड कर देंगे, यहाँ भी 25,000 को ऐड कर दिए, यहाँ भी 25,000 को ऐड कर दिए,
यहाँ भी ऐड कर दिए, तो इस तरह से हम लोग को नेट कैश फ्लो कितना आ गया, नेट कैश फ्लो कितना आ गया, 16,000 प्लस 25,000, इसमें कितना आ गया 41,000 नेट कैश फ्लो, सेकेंड में कितना आ जाएगा 29,000, सेकेंड में कितना आ गया 29,000, फिर नेक्स्ट में 25,000, इसमें 25, 8, 33, तो 33,000 कैश फ्लो आ जाएगा। इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है।